गाइज 007 के बारे में आप जानते ही होंगे। जी हाँ, जेम्स बॉन्ड के बारे में। वेल, आज मैं इसी मूवी फ्रेंचाइज पे बात करूंगा और इसमें कितनी मूवीज आई और क्या टॉम हार्डी अपकमिंग जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में 007 का रोल करेंगे या फिर नहीं, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। गाइज, वैसे तो जेम्स बॉन्ड की मूवी 1962 से ही आना स्टार्ट हो गई थी और अभी तक 26 मूवी आ भी चुकी है, इंक्लूडिंग नो टाइम्स टू डाई। वेल, मैं इस वीडियो में सभी मूवीज पे बात नहीं करूंगा, बस डैनियल क्रेग के सभी जेम्स बॉन्ड वाली मूवी पे बात करूंगा और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी शॉर्ट में बताऊंगा। तो अगर आप सिर्फ टॉम हार्डी एज 007 के बारे में जानने के लिए आए हो तो आई थिंक आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी टॉपिक का टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर रखा है, जिससे कि आप इस वीडियो को सीधा वहां तक स्किप कर सकते हो। खैर, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डैनियल क्रेग को कैसिनो रॉयल में कास्ट किया गया था, जो 2006 में रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट $150 मिलियन था, जिसने बॉक्स ऑफिस में $606.1 मिलियन का बिजनेस किया था, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि इससे पहले इसी फ्रेंचाइजी में डाई अनदर डेज 2002 में रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस में कुछ कमाल नहीं दिखाया था। और फिर कैसिनो रॉयल के सक्सेस को देखते हुए फिर से डैनियल क्रेग को एज ए जेम्स बॉन्ड क्वांटम ऑफ सोलेस में कास्ट किया गया था, जो 2008 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी कैसिनो रॉयल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी थी, क्योंकि जहाँ पे कैसिनो रॉयल का एंड हुआ था ठीक वहीं से क्वांटम ऑफ सोलेस की कहानी स्टार्ट हुई थी। और इस पर स्टूडियो को अच्छा खासा पैसा भी खर्च हुआ था, उन्होंने इस पर 200 से लेकर $230 मिलियन तक अपना पैसा लगाए थे। और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा प्रोड्यूसर को डिसअपॉइंट भी किया, इसने कैसिनो रॉयल से कम $559.5 मिलियन का अर्निंग किया, जो एक डिसेंट था। लेकिन फिर इसके बाद स्काईफॉल रिलीज हुई थी, जिसे आईएमडीबी पे 7.7 की रेटिंग दी गई थी और ये मूवी शायद 2012 में रिलीज हुई थी और ये मूवी पूरा पैसा वसूल कर ले थी और इसने अपने दोनों पार्ट के कलेक्शन जितना अर्निंग किया था, मतलब $1.109 बिलियन। और इसकी वजह हॉलीवुड का क्रेज था, क्योंकि उस टाइम तक एवेंजर जैसी मूवी रिलीज हो चुकी थी, जिसके बाद लोग हॉलीवुड को जाने लगे थे और उसी का फायदा उठाकर ये मूवी 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर गई। और इस मूवी पे सिर्फ $200 मिलियन का खर्चा हुआ था और इसी कलेक्शन को देखते हुए स्टूडियो ने $300 मिलियन स्पेक्टर मूवी पे लगाए, जो बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ $880.7 मिलियन का अर्निंग कर पाई और इसे 6 नवंबर 2015 में ही रिलीज किया गया था। खैर, ये अब तक की लास्ट रिलीजिंग मूवी थी, लेकिन इसके बाद रिलीज होगी नो टाइम्स टू डाई, जो शायद 12 नवंबर 2020 को रिलीज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस डेट पर रिलीज किया जाएगा, क्योंकि अभी कोविड-19 गया नहीं है, जिससे कि थिएटर भी अभी बहुत कम खुले हैं, जिसकी वजह से ये मूवी उतना अर्निंग कभी नहीं कर पाएगी जितना ये नॉर्मल डेज में कर पाती, क्योंकि ये डैनियल क्रेग की लास्ट मूवी है एज अ जेम्स बॉन्ड या फिर 007, और इसके बाद वो फाइनली जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर से रिटायरमेंट ले लेंगे। और इसके बाद ये सवाल आता है कि क्या फिर से स्टूडियो जेम्स बॉन्ड की फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करेगा। तो जी हाँ, ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेस फ्रेंचाइजी में से एक है, जिसे स्टूडियो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला और इसी वजह से फिर से 007 के लिए एक्टरों को ढूंढा जा रहा है और इसी में अभी फिलहाल टॉम हार्डी का नाम आया है। और इस रिलेटेड न्यूज़ भी बहुत घूम रहे हैं कि टॉम हार्डी को एज ए 007 कन्फर्म कर लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बस एक र्यूमर है जो सच भी हो सकता है और झूठ भी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक न्यूज़ कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत एक्टरों का नाम आ चुका है, जैसे हेनरी कैविल, एड्रिस एल्बा, टॉम हिडल्सन और भी बहुत सारे एक्टर जिसका नाम बाहर निकल के आया था, लेकिन अभी तक किसी को कास्ट नहीं किया गया है। और ये सब जो आप फैन आर्ट इंटरनेट पर देख रहे हो, वो सब एक फैन आर्ट है जिसका ऑफिशियल सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। वेल, अब आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन अगर जेम्स बॉन्ड की मूवी के लिए किसी एक्टर को कंफर्म किया जाता है तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो अगर आप इस वीडियो कुछ दिन बाद या फिर कुछ महीने बाद देख रहे हो तो आई थिंक आपको डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेनी चाहिए। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख भी पाओगे। और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी भी वेब सीरीज के बारे में तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।